हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे आपने रेल टिकट बुक कर लिया है, आपको मोबाइल पर मैसेज भी आ गया है, लेकिन फिर भी आप एजेंट के जैसा डाउनलोड करना चाहते हो टिकट, तो वह तो आप बआसानी डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। दोस्तों याद रखें, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, उसमें IRCTC सर्च करना है और पहले वाला ऑफिशियल पेज आपको ओपन करना है। उससे पहले आपको ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है। डेस्कटॉप मोड ऑन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। कुछ नहीं करना है, ऊपर IRCTC लिखा हुआ है उसके बाजू में तीन डॉट है, उस पर क्लिक करना है और ऊपर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है। मैं जब तक लॉगिन हो जाता हूँ, आप भी अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाइए। यहाँ पर मैं OTP की मदद से लॉगिन करूँगा। अगर आपको कैप्चर की मदद से करना है तो आप कैप्चर की मदद से कर सकते हो। यहाँ पर OTP हमें आया नहीं है, अभी आ जाएगा। OTP आ गया, हम सबमिट OTP पर क्लिक करके लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपने जितनी भी टिकट बुक की है आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, आप पेज पर देख सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको ऑल जर्नी पर क्लिक करना है। व्यू ऑल जर्नी पर आपका जो भी टिकट है आपने बुक किया यहाँ पर आपको दिख जाएगा। टोटल टिकट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आपको जिस भी टिकट को डाउनलोड करना है एजेंट के जैसा, तो उस पर आपको यहाँ पर देख सकते हो प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, आपको क्लिक करना है उस टिकट के ऊपर। पहले तो यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने ऐसा टिकट आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, टिकट को देख लेना है यही आपको डाउनलोड करना है या नहीं। उसके बाद आप यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ऊपर की साइड में। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने ओपन होकर आ गया है एजेंट के जैसा टिकट। देख सकते हो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टिकट देख लेना है, एजेंट के जैसा टिकट आ चुका है लगभग से। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा दिया हुआ है अमाउंट के साथ, कितनी सीट है, क्या है, सीट नंबर वगैरह सब आपको बता देगा। लगभग से आपको यहाँ पर देखना है, नीचे प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस एडवर्टाइजमेंट को भी कट कर सकते हो, लेकिन ना करें तो अच्छा है, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, पूरा टिकट देख लीजिए आप। सेम पूरा की पूरा टिकट एजेंट के जैसा बना हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास फाइल ओपन होकर आ गई है। यहाँ पर पूरा आप देख सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको प्रिंट निकालवाना है या फिर आपको अपने मोबाइल में रखना है तो आप यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर फाइल बन गई है हमारी। अब यहाँ पर हम लगभग से सेव कर सकते हैं। फोल्डर नेम डाल के जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं।
हमारी फाइल सेव हो गई है। अब हमें अगर टिकट को प्रिंट करवाना है तो किसी शॉप पर जाकर, ज़ीरोक्स की शॉप पर जाकर हम पीडीएफ फाइल देकर ज़ीरोक्स निकलवा सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। अगर नहीं निकलवाना है तो आपके पास फाइल सेव है, आप इसे लगभग से ट्रेन की जर्नी की टाइम बता सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि जय हिंद।